जय श्री श्याम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आज मैं बात करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर प्रिपेयर करने हैं और एग्जाम में 101 परसेंट इन क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर जब कर रहे हो तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इनको रखो चाहे नोट्स बनाकर प्रिपेयर करो या जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो जिस भी प्राइवेट बुक से आप पढ़ रहे हो मेक श्योर sure इन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको प्रिपेयर करके चलना है सो फोर्टी मार्क्स की आपकी टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर सबसे पहले है आपका नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम में देखें नेशनल इनकम टेन मार्क्स की वेटेज है जिसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन आपका जो कवर होता है वो आपके मेथड्स में से आता है वैल्यू एडेड मेथड 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 इनकम एक्सपेंडिचर और उसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा एंड इसके बाद प्रिकॉशंस किसी भी मेथड की जो प्रिकॉशंस पूछी जा सकती हैं तो अच्छे से रीड करके जाना इसको कैपिटल गुड्स कंजम्पशन गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स ए डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर मॉडल के अंदर टू सेक्टर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है अच्छे से करना डबल काउंटिंग और उसके लिए क्या रेमिडीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट रियल एंड नॉर्मल जीडीपी जीडीपी एंड वेलफेयर के अंदर जो पॉइंट्स हैं सारे पढ़ लेना अच्छे से बट फर्स्ट प्रायोरिटी पर इन दो को रखना एक्सटर्नलिटीज एंड नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज ओके एंड इसके अलावा मैं बता दूं स्टॉक फ्लो स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल ये दोनों अच्छे से कर लेना और मैं आपको बता दूं बेटा इस चैप्टर के अंदर ना जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करवाएगा क्यों क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आपका स्ट्रॉग है ना तो न्यूमेरिकल में मार्क्स कटने की कोई वजह नहीं होती थ्योरी के अंदर चांसेज हैं कि एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो वहां पर एग्जामर आपके मार्क्स काट सकता है तो न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर लेना टेन मार्क्स की वेटेज है और स्टेट फॉरवर्ड इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है न्यूमेरिकल का सो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना न्यूमेरिकल पोर्शन और बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर इन टॉपिक्स को आपको रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है मनी एंड बैंकिंग सिक्स मार्क्स की वेटेज है जिसके अंदर मनी मल्टीप्लायर या मैं बोलू क्रेडिट क्रिएशन या डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अच्छे से कर लेना इसको उसके बाद फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई और उसके कॉम्पोनेंट्स ठीक है मनी सप्लाई और उसके कॉम्पोनेंट्स और फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मनी मल्टीप्लायर भी आप अच्छे से करके जाओगे सिक्स मार्क्स की वेटेज इसकी है उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड employment ट्वेल्व मार्क्स की वेटेज इसके अंदर न्यूमेरिकल जो आपका कवर होगा न्यूमेरिकल के अंदर एपीसी MPC APS MPS बहुत इंपॉर्टेंट उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके ए अप्रोच एस अप्रोच डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर फ्रॉम सेविंग कर और सेविंग कर फ्रॉम कंजम्पशन कर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो so, इसको तो ग्राफ बना के इन दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहे नोट्स बना लेना एक बार ग्राफ बनाना उसको अच्छे से इलेबरेट करके उसके नोट्स बना लेना और बार बार उसको रिवीजन में रखना ताकि अगर वो सैम्पल में रिपीट भी हो रहा है तो भी आपको नोट्स को रिवाइज करना पड़े और उसके बाद लिख के देखने की जरूरत नहीं है जितने भी थ्योरी क्वेश्चन हैं जो आपको लग रहे हैं कि रिपीटेडली बार बार आ रहे हैं तो उनको लिख कर मत देखो रादर क्या करो अपने जो अपने नोट्स बना रखे हैं ना उन नोट्स को पढ़ लो ठीक है लिख के दोबारा करोगे नोट्स आपने पढ़ने हैं दोबारा एक बार चीजों को रिकॉल हो जाएंगी याद हो जाएंगी बट लिख के दो बार बार कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम है प्रैक्टिस की जो लिखकर रिक्वायरमेंट होती है वो अकाउंट्स के अंदर होती है मैथमेटिक्स के अंदर होती है या मैं बात करूं न्यूमेरिकल जितना पोर्शन है वहां पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि लिख कर आप प्रैक्टिस करो ओके क्योंकि वहां पर क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं बट थ्योरी के अंदर क्या है कॉन्सेप्ट एक ही है एक बार अच्छे से आपने नोट्स बना लिया तो कीप रिवाइजिंग दैट नोट्स ओके एडीएस अप्रोच एसआई अप्रोच डेरिवेशन ऑफ कंजन कर फ्रॉम सेविंग कर सेविंग कर फ्रॉम कंज्शन कर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑलरेडी बता चुका हूँ न्यूमेरिकल भी आता है इसके अलावा फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे विद एग्पल तो वैसे आपको प्रिपेयर करना है इसके बाद है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशियट डिमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद है गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट बजट सिक्स मार्क्स की वेटेज ऑब्जेक्टिव्स वेरी इंपॉर्टेंट सारे डेफिशेट अच्छे से कर लेना रेवेन्यू डेफिशियट फिजिकल और प्राइमरी ये डेफिश आपको अच्छे से करके जाने बेटा इसके बाद डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एंड डिफरेंस तो रेवेन्य के अंदर डायरेक्ट टैक्स टैक्स इनडायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेना डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस भी कवर कर लोगे जितने भी डिफरेंस वाले जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना आप कॉन्सेप्चुअली इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ अगर डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस पे भी आप अच्छे से लिख पाओगे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ और बार बार अपने लिखे हुए नोट्स को रिवाइज करो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरन एक्सचेंज सिक्स मार्क्स की वेटेज है कॉम्पोनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट करेंट अकाउंट के डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट वेरी ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोडेटिंग आइटम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मत छोड़ना गलती से भी मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्रायोरिटी रखना इन टॉपिक्स को और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो आपका ग्राफ बनाकर आप बनाते हो इक्विलिब्रम पॉइंटेंटिफाई करते हो दट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज एक्सचेंज रेट सिस्टम और ये फॉरन एक्सचेंज रेट तो डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट विद ग्राफ बहुत अच्छे से करके जाना बेटा ठीक है इसके अलावा टाइप्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज रेट सिस्टम जितने भी हैं टाइप्स वो सारे आपको अच्छे से आने चाहिए के अंदर और ये पे रखने हैं आपको ओके? बस तो ये था मेरी तरफ से आपका जो आपका रेलिवेंट है जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कवर करना है इसके अलावा बेटा आप सीबीएसई सैंपल कर ही रहे हो और जो भी आप सैंपल प्रैक्टिस कर रहे हो श्योर जब आप कर रहे हो सैंपल पेपर और टॉपिक्स जो मेरे को बताए हैं मेक श्योर sure इनके तो नोट्स होने चाहिए बार बार इनको रिवाइज करोगे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए सैंपल पेपर में बार बार क्वेश्चन चेंज होंगे ठीक है तो उनको हाथ से करके देखना है इसके अलावा देखो कि इनके अलावा और कोई ऐसे पॉइंट्स हैं और कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार आ रहे हैं उनको भी एक बार नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर कर लो एंड बार बार उसको रिवाइज करते रहो ठीक है हाइएस्ट वेटेज के अंदर ये दोनों सिक्स मार्क्स की वेटेज में बीओ और आपका गवर्नमेंट बजट एंड इसके अलावा जो ये है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये आपका ट्वेल्व मार्क्स की वेटेज में है ऑलरेडी आपको पता है ये ठीक है तो ये इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं और इसके बाद मैं आपको बताऊँ एक ही नेशनल इनकम और नेशनल इनकम में भी जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दस मार्क्स की वेटेज बेटा इसमें अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए होगी इंडियन इकोनॉमिक्स में मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या क्या है देखो मेजर जो डाटा है वो आपको आना चाहिए एच डी आई ह्यूमन जो इंडेक्सेस हैं इंडेक्सेस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको टेबल फॉर्मेट ऑलरेडी वो गिवन होगी उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा जो रेलिवेंट याद करने वाला डाटा है उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो पहले से ओके okay? वो आपको मैं उस वीडियो के अंदर बता दूंगा फॉर दिस स्टे टूड विद अस डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स जय श्री श्याम